तो हाय एवरीवन, हम लोग दोबारा से डिस्कशन कर रहे हैं हमारे दिल्ली से एनसीआर गुड़गांव से आए हुए गेस्ट सुचेतना जी से। हाय सुचेतना जी। हेलो। तो सुचेतना जी, सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आपके बारे में। सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं गुड़गांव से हूँ। मेरा अपना छोटा सा बिजनेस है, आई एम एन एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट पेंडेमिक के बाद से मैं कोई ऐसी वाली जगह देख रही थी जहाँ पे आई कुड ट्रैवल और थोड़ा सा आई कैन ब्रेक फॉर अ वीक एंड सो हियर आई एम। सुचेता जी, आपको हमारे बारे में पता कैसे लगा? पंकज जी, टू टेल यू फ्रैंकली, आपको पता ही है पेंडेमिक में हम सब 2 साल के लिए एक तरह से कैद थे। तो आइडियली मैं अपनी मॉम के लिए कोई ऐसी वाली जगह देख रही थी। शी वॉन्टेड टू कम एंड विजिट द हिल्स, कोई ऐसी जगह जो नॉर्मल कमर्शियल उससे हटके हो। तो फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं तो उनके लिए ऐसे वाली कोई जगह देख रही थी। एंड समवेयर अक्रॉस फेसबुक आई हैपन टू विजिट योर पेज, एंड मुझे जो आपका ये लाइन था ना, ट्रैवल विद अ पर्पस, इट समहाउ जस्ट कनेक्टेड विद मी एंड देन आई रेड मोर अबाउट इट। सो हालांकि ये वाला जो ट्रिप था, इट वॉज मोर कि मैं मम्मा के लिए जगह देखना चाहती थी, वेदर इट इज़ सेफ फॉर हर टू ट्रैवल एंड विद दिस ओल्ड एज वो बेसिक फैसिलिटी वगैरह हैं कि नहीं। तो आइडिया उसके लिए था, बट आई एम सो हैप्पी दैट आई कुड टेक दिस ट्रिप। क्या तो सुचेता जी जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर आए, ट्रैवल मोड क्या रहा और कोई आपको चैलेंज फेस हुआ? ये मेरा पहला सोलो ट्रिप है एंड जब वो इनिशियल हेजिटेशन तो था ही सोलो ट्रैवल में, सेफ्टी को लेके प्लस नई जगह, एंड इट इज़ नॉट अ यूजुअल सिटी। ये वाला जो विलेज है, इट इज़ नॉट कमर्शलाइज्ड, या कोई कमर्शियल टाउन नहीं है। बट आई थिंक मैंने आपको काफ़ी मैसेजेस वगैरह एंड आपसे जब बात करने के बाद ऐसा वाला वो कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, इट इज़ परफेक्टली सेफ। एंड जैसे आपने रूट्स के साथ हेल्प किया, बस का, कैब का, सो आई थिंक वो मेंटली कहीं ना कहीं आपसे बात करके ना, दैट अश्योरेंस वॉज देयर। और बाकी जो थोड़ा बहुत हिच था, आई थिंक वो ट्रैवल करने से वो वाला हिच निकल गया वंस आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट माई सेल्फ। अगर कोई भी फीमेल ट्रैवलर सोलो ट्रिप के लिए देख रही है, तो आँख बंद करके सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से यू कैन बी अश्योर्ड, इवन विद द बेसिक अमेनिटीज, खाने से लेके, लॉजिंग से लेके, वाईफाई से, पावर बैकअप से लेके, सारी बेसिक एमिनिटीज़ यहाँ पे हैं एंड वेरी वेल मेंटेन्ड एंड हाइजीनिकली मेंटेन्ड। सुचेतना जी, जैसे कि अब आपने खुद ही बता दिया, तो जो हमारी 3 मेजर कंडीशंस हैं कि एनी टाइप ऑफ इंटॉक्सिकेशन प्रोहिबिटेड है यहाँ पर, और हमारा प्रीफिक्स वेजिटेरियन मील है, हम नॉन वेज सर्व नहीं करते, और उसके साथ जो ये नोबल कॉज है हमारा, इसमें हम 2 आवर्स बोलते हैं, तो इसमें कोई चैलेंज फेस हुआ आपको? इनफैक्ट सबसे पहले इसी से शुरू करते हैं, जो 2 आवर्स वाला नोबल कॉज, हमें ऐसा लगता है कि हम इन बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, बट आई थिंक इट वॉज़ दी अदर वे अराउंड। द डे आई केम, बच्चों ने जैसे कार्ड्स बना के रखे थे, दे न्यू माई नेम, जैसे उन्होंने वेलकम किया, इट वॉज प्योर अनअडल्ट्रेटेड लव। तो वो जो फीलिंग ऑफ जॉय था ना, वो आई डोंट थिंक सो कोई भी मटीरियलिस्टिक चीज़ से मिल भी सकता है हमें। दूसरा, आपने जैसे वेजिटेरियन फूड का बोला, खाना इतना ज़्यादा वो टेस्टी और बिल्कुल ऐसा घर जैसा खाना कि ऐसा वाला फील ही नहीं होता। लाइक पीपल हु आर नॉन वेजिटेरियन ऑल्सो, बिलीव मी, यू विल नॉट मिस नॉट ईटिंग मीट। या सुचेतना जी, जैसे कि आपको पता ही है कि हम जो ये हमारा होम स्टे जो रन कर रहे हैं, नोबल कॉज की वजह से रन कर रहे हैं, और हम एक ऑफ बीट लोकेशन पर हैं, तो जैसे कि लोगों को काफ़ी अलग फील होता है, तो आपको कोई ऐसा चैलेंज फेस हुआ हो या आप कुछ बताना चाहेंगी हमारी लोकेशन के बारे में, जो यहाँ का वेदर है, क्लाइमेट है, और उसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे जो आपको लगा हो? आई थिंक वेदर, तो मैं जिस वेदर में आई हूँ, इट इज़ अ परफेक्ट ऑसम वेदर। सो आप, आई डोंट थिंक सो वेदर इज़ अ मेजर चैलेंज। दूसरी चीज़, जो ये रस्टिक सा फील है ना इस जगह के बारे में, आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, बिकॉज हम एक कमर्शियल हॉलीडे मनाने के लिए या एक लग्जूरियस हॉलीडे पे जो चले जाते हैं, जो कनेक्ट आपको यहाँ जुड़ने से होगा ना, वो शायद वहाँ नहीं आएगा। सो यू मस्ट ट्रैवल, यू मस्ट एक्सपीरियंस टू प्रॉबेबली नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट।
एट लास्ट आपसे जानना चाहेंगे हमारे कॉज के बारे में, आप क्या सोचती हैं? पंकज जी, मतलब मुझे तो ऐसे लगता है इसके बारे में जितना भी बोला जाए कम है. अ पर्सन लाइक यू फ्रॉम दिल्ली, हेलिंग फ्रॉम दिल्ली, थिंकिंग अबाउट दीज किड्स जिनको कि वो फैसिलिटीज़ का एक्सेस नहीं है. लाइक सिटीज़ में तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके लिए कर रहे हैं, या बच्चों को कुछ ना कुछ किसी भी एनजीओ या किसी भी माध्यम से एक्सेस है. यहाँ पे इतने चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में ये सब करना, हैट्स ऑफ टू यू. सो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है जो भी इस कॉज के साथ जुड़ना चाहते हैं, एंड इट्स अ वेरी नोबल कॉज. और दूसरा, नॉट ओनली फॉर दीज किड्स, ये आपके अपने के लिए, दिस इज़ अ वे फॉर अस टू गिव बैक टू दिस सोसाइटी. एंड स्पेशली क्योंकि इन बच्चों को ऐसा वाला कुछ एक्सेस नहीं है, एंड दे आर प्योर टैलेंट. मैंने ये जो 4-5 दिन इनके साथ इंटरेक्ट किया, इसमें से कितने बच्चे हैं, कोई गाने में अच्छा है, कोई ड्राइंग में अच्छा है. एंड जैसे इन्होंने इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती थी. सुपर. जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे कि आपका प्लान नहीं था लेकिन कल आप ट्रैक पे भी गए, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, और थोड़ा उसके बारे में आप बताना चाहेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग? सो मैं तो बिकॉज मैं वॉक वगैरह नॉर्मली करती हूँ, तो मुझे लगा कि ऐसा भी क्या ट्रैक होगा. एंड देन बट व्हेन आई वेंट फॉर दैट ट्रैक, वो लेक का नाम क्या था? देवरिया ताल. सो अगेन वो जो रास्ता था बहुत ही रस्टिक फील के साथ था. सो आपको कहीं पे भी ऐसा कमर्शियल वाले, हाँ बेसिक फैसिलिटीज़ आपको बीच में, चाहे पानी है, चाहे खाना है, कोई रुकने की जगह है, वो बेसिक फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ अवेलेबल थी. बट आई थिंक वो जो ट्रैक था थोड़ा सा स्टीप था, एफर्ट लगा, जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा एफर्ट लगा, बट दी व्यू वॉज कम्प्लीटली वर्थ इट. आई विल ट्राई एंड शेयर फ्यू वीडियोज एंड फोटोज ऑफ इट ऑल्सो. थैंक यू सो मच सुचेतना जी, आप यहाँ पर आई, आपने इतने दिन निकाले और आपने बच्चों को बहुत सारा प्यार दिया और बहुत सी चीज़ें सिखाई, तो वो बहुत ही वैल्यूबल है हम लोगों के लिए. और जो मोटिवेशन आप देती रहती हैं हमें, वो भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है. सो थैंक यू सो मच. इनफैक्ट पंकज जी, थैंक यू, शायद मुझे बोलना चाहिए, जैसे मैंने बोला ना कि हम ये सोच के आते हैं हम इन बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, बट आइडली इट्स दी अदर वे राउंड. जितना प्योर इनोसेंट लव यहाँ से आपको मिलेगा ना, यू विल रियलाइज इट इज़ टोटली वर्थ इट. थैंक्स टू यू. बच्चों से कुछ जानना चाहेंगे, कौन बच्चा जो है बताना चाहेगा मैम के बारे में कुछ, कि मैम ने क्या सिखाया और स्टार्टिंग से, कोई बताना चाहेगा? ये हाथ खड़े हो रहे हैं. अच्छा, तो हाथ खड़े जैसे कि हो रहे हैं, तो सबसे पहले स्वाति. हमको ना पहेलियाँ सिखाई और गुब्बारे से ना कुत्ता बनाना भी सिखाया. मजे आए? यस मैम. ओके, उसके अलावा कोई और बच्चा कुछ कोई बात बताना चाहे? सुचेतना जी माइक अगर आप बच्चे को दें. हाँ श्योर. हाँ चांदनी बेटा, एक मिनट मैम, माइक ये ले बेटा. सर मैम ने हमें ना वो गेम्स भी सिखाए. कौन सी गेम्स? सर स्टैचू. सर स्टैचू वाला. आपको याद है कौन सी गेम के बारे में चांदनी बात कर रही है? रमन. अच्छा ओके. अच्छा किसी को याद है मैम का पहले दिन मैम से क्या बात हुई थी और ग्रीटिंग कार्ड्स कुछ ऐसे दिए थे, कोई बताना चाहेगा? अच्छे से कौन बताएगा? सिर्फ एक जना, सिर्फ तुषार. लवी माइक बेटा माइक. सर मैम जिस दिन पहले दिन आई थे तो मैम ने मैम को वेलकम किया था, मैम को ग्रीटिंग कार्ड दिए थे और पाँव बिछुए थे हमने मैम के, और मैम ने कहा था हमें गॉड ब्लेस यू. हमने और मैम ने हमको इंट्रोडक्शन सुनाया अपना इंग्लिश में, और हमने सब बच्चों ने सुनाया, और मैम ने कहा कि इंट्रोडक्शन लिखो, तो हमने सब ने लिखा. अच्छा, अब आप में से
कौन कौन चाहता है कि मैम दोबारा आए? मैं भी चाहती हूँ कि मैं दोबारा आऊँ एंड प्रॉमिस जल्दी आए। ठीक है, आप सब चाहते हैं? मैं पूरी फैमिली के साथ आऊँगी। सब चाहते हैं? यस मैम। क्या चाहते हैं? मैम दोबारा आए। आप सबको पता है मैम कहाँ से आई हैं? यस सर। आपको पता है? यस सर। याद है? यस सर। रात को माइक दो, रात को, रात को याद है। देखते हैं देहरादून से। दिल्ली से। दिल्ली, दिल्ली। और कोई, और कोई, कोई बात नहीं सर। मैं सोना बता देगा सर। मैडम गुड़गांव से आई है। वेरी गुड, क्या बात है। चलिए ठीक है, राज के पास ही माइक दे देते हैं। राज ने क्या कहते हैं गाना। तो क्योंकि आज आखिरी दिन है और मैम अभी अभी क्या हुआ था कि थोड़ी देर पहले कोई पार्टी ऐसा कुछ हुआ था? yes, yes, sir. Yes, sir. राजीव क्या आसपास है, माइक है, राजीव बता देगा। राज क्या हुआ था थोड़ी देर पहले? हमने केक खाया। समोसे खाए। क्या बात कर रहे हो, सही में? यस सर। समोसे भी थे? यस सर। अच्छे थे समोसे? यस सर। ताजे थे या पुराने थे? ताजे। सही में? यस सर। पूरा खाया था या आधा? पूरा। पूरा पूरा खा गया। और पेस्ट्री कौन सी थी? पेस्ट्री फूल वाले। फूल वाला, फूल वाली पेस्ट्री। वाह क्या बात है। अच्छा डिजाइन वाले क्या? ओके ओके, तो आज सब राज की तरफ देखेंगे। आप इधर राज कौन सा गाना सुनाने वाले हो मैम को? मैम जा रही है, कोई जो पहले कभी नहीं सुनाया, बहुत लोगों ने आपकी वीडियो देखी है, ये भी देखेंगे। कौन सा गाना सुनाओगे मैम? अच्छा सा, अच्छे से गाना सुना दो, कोई सा भी सुना दो। राज के लिए एक बार क्लैपिंग करते हैं, धीरे से, ज्यादा जोर से। वेरी गुड। राज गा रहा है, सुनो सब। परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा वादा निभाना, परदेसी मेरे यारा वादा निभाना, मुझे याद रखना कभी भूलो न जाना, जाना परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा वादा निभाना, परदेसी मेरे यारा वादा निभाना, मुझे याद रखना कभी भूलो न जाना, जाना परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा वादा निभाना, परदेसी मेरे यारा वादा निभाना। राज कुछ कहना चाहोगे मैम? आप कुछ अपनी तरफ से कभी और यशन बैठ जाओ, कुछ कहना चाहोगे मैडम की तरफ देखते, कुछ भी जो आपको लगा हो। मैम आप दोबारा आएंगे? आप ना अपने माता पिता के साथ आना यहाँ। और कोई कुछ मैडम से कहना चाहता हूँ? मौका है फिर मैम जो है कल चली जाएंगी छुट्टी, और कोई माइक लेके कुछ कहना चाहता हूँ? सौरभ मैम ने कुछ बनाना सिखाया, लो माइक लो। सर हमें मैडम ने कैम खिलाया और हमें गुब्बारे से डॉगी बनाना भी सिखाया और तलवार बनाने भी सिखाए। यस मैम। दोबारा कुछ कहना चाहते हो? राज कुछ कहना चाहते हो? देखो ये अच्छी बात है कि हमें बताना चाहिए कि हमें कुछ कहना है मैम से। मैम की तरफ देखते हैं। सर मैम ने नाम को वो नए नए शब्द भी सिखाए और वो अपने बारे में भी बताया, क्या इंट्रोडक्शन सुनाया।
तो अब मैम कह रही अब मैं पक्का आऊंगा, तो हम भरोसा करते हैं, हम बोलेंगे नहीं कभी मैम को। उधर ही आ जाएगा माइक, उधर ही आ जाएगा। रात चांदनी को माइक दे दो बेटा। नहीं मैं फिर यहाँ पे दोबारा आना, मैंने प्रॉमिस किया ना, मैं आऊँगी पक्का। यस मैम, है ना, जब मैं आऊँगी भूल मत जाना तब तक। यस मैम, मैं अभी मत भूलना हमें पक्का। इतने प्यारे हो सारे कि मैं भूल ही नहीं सकती तुम लोग। कब आओगी मैम, कब आओगी? नेक्स्ट ईयर, बच्चों के एग्जाम, तुम्हारे एग्जाम्स हो जाए उसके बाद। मैम आप दोबारा आओगे? हाँ मेरा बेटा, मैं दोबारा आऊंगी पक्का। ठीक है फिर मैम को एक बार बोलते हैं, सी यू सून, जोर से सारे नाम, सी यू सून, सी यू सून। हाँ जी, कल सुबह सुबह निकल जाऊंगी मैं, 5:30 5:30 बजे उठोगी? 5 बजे 5 बजे उठोगे? मैम रात के 4 बजे अपने पापा के लिए चाय बना। अरे वाह बहुत ही प्यारा बच्चा, माइक रात को उधर आ जाओ, तो उसके बाद आ जाना मेरे लिए भी चाय बना देना, उनका कौन बनाएगा चाय? सर जी क्या सुन रहा है, बटर राज थोड़ा अपने बारे में मैम को बता दो, कितने बजे उठते हो, क्या करते हो बता दो, फिर मैम को याद रहेगा। मैं सुबह पहले मैं उठता हूँ, फिर अपने रेस मारने जाता हूँ, फिर घर आता हूँ, तब धूप आता है, मैं मम्मी और पापा को ना चाय चूई बनाता हूँ, फिर पिलाता हूँ, तब स्कूल की तैयारी करता हूँ, फिर बात उठ खाता हूँ, तब फिर स्कूल जाता हूँ। स्कूल के बाद जब घर आता हूँ, मैं होमवर्क देते हैं, होमवर्क का काम करता हूँ, तब रात में वो मैं अपने दोस्त और शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ, फिर तब उसके बाद मैं ट्यूशन आता हूँ। बताओ कि आप पहले नहीं आते थे और अब रोज आते हो ट्यूशन में? मैं पहले नहीं आता था, अब जिस दिन भी मैं देवरताल चला गया तो उस दिन से आने के लिए हूँ, आ रहा हूँ। वेरी गुड, और प्रॉमिस करते हो रोज आते रहोगे? प्रॉमिस, है ना, मैं सब बच्चों की अटेंडेंस करूंगी। यस मैम। ठीक है, यस मैम, गुड। आज कहाँ घूमने गए हो मैम, को वो नहीं पता? हमने भी गए थे देवरिया ताल। हाँ मैं भी वही सेक्टर के आई थी, कल जा रहे थे आप? गई थी मैं उधर। हाँ आप ही गए थे मैम, इन सब उन्हें ना दीक्षा और इसने और सालिन ने और उसने ना अल्लाह ने उल्टी करी, मैंने नहीं करी। ओके, अगर सब अच्छे अच्छे बनेंगे ना और जब मैं अगली बार आऊंगी तो प्रॉमिस हम सब मिलके चलेंगे। कहाँ देवरिया ताल? मैं हूँ आप बहुत ऊपर है, आप लोग तो भाग के चढ़ जाओगे, मैं तो धीरे धीरे चढ़ूंगी। मैम आप वहाँ कार्तिक पा में भी जा रखे अच्छा मिलता तो मैं रड़े जाए। बाय।